हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार में पेट्रोल पर लगाए गए सरचार्ज को कम करने पर विचार किया जा रहा है। विधानमंडल में बजट पेश करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी है। उनसे झारखंड में बिहार की तुलना में सस्ती दर पर पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें बताया गया है कि पेट्रोल के ऊपर लगने वाले टैक्स पर 30% सरचार्ज लिया जाता है। ये पेट्रोल के खुदरा मूल्य पर निर्धारित होता है। नवंबर 2019 में पेट्रोल के खुदरा मूल्य के आधार पर वर्तमान में टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि एक लीटर पेट्रोल पर 15 रुपया टैक्स निर्धारित हुआ तो उसका 30% यानी कि 4.50 रुपया सरचार्ज के रूप में लिया जाता है, जिसको सरकार कम करने जा रहा है, जिससे आम लोगों को इससे काफी फायदा मिलेगा। बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने और एनपीआर 2010 के अनुसार ही लागू करने का बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद बीजेपी ने इसे सही नहीं करार दिया है। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि प्रस्ताव लाने से पहले बीजेपी से कोई चर्चा नहीं की गई थी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह भी कहा है कि जेडीयू को प्रस्ताव लाने से पहले बीजेपी से राय लेना चाहिए था। प्रेम कुमार यही नहीं रुके, प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रस्ताव लाना बिहार सरकार का अधिकार है, पर हमारा समर्थन केंद्र के नियमों के साथ है। आने वाले रविवार से शुरू हो रहे नए महीने में कई चीजें बदलने वाली है। इनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। मार्च 2020 में 5 बड़े नियम बदल रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। खासकर अगर SBI बैंक में खाता है तो आप पर भी असर पड़ सकता है। वहीं हर महीने की तरह रसोई गैस की नई कीमतों में भी लागू हो सकती है। इसके अलावा पिछले साल GST काउंसिलिंग ने एक बड़ा फैसला लिया था जो 1 मार्च से लागू होने जा रहा है। SBI ने अपने खाताधारकों को इससे जुड़ा एक SMS भेजा है। बैंक के मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं करवाया तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जा सकता है। दरअसल RBI ने KYC कराना बहुत जरूरी करार दे दिया है। विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कहा है कि सरकार को शिक्षकों की मांग मान लेनी चाहिए, हड़ताल खत्म कराना चाहिए। शिक्षा मंत्री हड़ताली शिक्षकों के साथ बातचीत करें क्योंकि राज्य में परीक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। राबड़ी देवी ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को NRC से इनकार है तो उन्हें CAA भी खारिज करना चाहिए। इसी बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने CM नीतीश कुमार से कहा है कि NDA छोड़कर महागठबंधन में आप आ जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद पेश किया है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जदयू के आने की बात अलग है, लेकिन मैं पहले आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप NDA छोड़कर महागठबंधन में आ जाएं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश भर के किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान के तहत महीने के अंत तक यानी कि 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ और किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इस मामले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि PM मोदी ये चाहते हैं कि जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। बिहार विधानसभा में NRC लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर JDU से निकलने जाने के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया है। PK ने ट्वीट करके कहा है कि NPR और NRC पर आप अपनी बात पर बने रहें, इसको लेकर CM नीतीश कुमार जी आपका धन्यवाद। लेकिन इससे पहले बिहार की हित और हमारे आसपास के सामाजिक सौहार्द से जुड़े बड़े मुद्दे हैं। हम केवल ये आशा करते हैं कि आप अपने भीतर के प्रति सचेत रहें और इन दोनों ही मामलों में भी खड़े उतरें। मुजफ्फरपुर में खादी पार्क का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को पेश बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान तैयार कर लिया है। खादी पार्क के लिए शहर में जमीन भी चिन्हित हो गया है। अब इसे कार्य रूप में बदलने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर का खादी से पुराना नाता रहा है। राज्य सरकार ने खादी की ब्रांडिंग करनी शुरू की तो मुजफ्फरपुर का भी ख्याल
रखा गया। आपको बता दूं कि यहां मुजफ्फरपुर के पीएनटी चौक के पास खादी ग्रामोद्योग की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर खादी पार्क बनाने का फैसला किया गया है। इस खादी पार्क में कताई बुनाई रंगाई छपाई और धुलाई के बाद इसकी बिक्री की भी जाएगी। कोशिश है कि खादी पार्क में खादी से जुड़े लोगों को यहाँ रोजगार मिले। वही खादी चाहने वालों को एक छत के नीचे सभी तरह के उत्पाद वाजिब दाम में उपलब्ध हो पाए। दोस्तों आपके लिए एक अहम जानकारी है। जानकारी ये है कि मार्च में लगातार 8 दिनों तक बैंकों में कोई भी कामकाज होने वाला नहीं है। इतने लंबे समय तक सभी काम ठप रहने की वजह से आपको पैसे या फिर चेक लेन देन का काम नहीं हो पाएगा। बेहतर यही होगा कि समय रहते अपनी तैयारियां कर लीजिए, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। एक प्रतिष्ठित सरकारी बैंक अधिकारी का कहना है कि 8 मार्च से 15 मार्च के बीच सरकारी बैंकों में काम पूरी तरीके से ठप रहने की आशंका है। दरअसल 8 मार्च को रविवार है, इसके बाद 9-10 मार्च को होली होने की वजह से ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। खेती करना अब किसानों के लिए कठिन नहीं रहेगी। अब ड्रोन कैमरा खेतों की भाग्य रेखा देखकर किसानों को बेहतर उत्पादन वाले फसल के बारे में जानकारी देगा। इस पर भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के किसान मेले में आए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार डॉक्टर असलम ने बताया कि ड्रोन कैमरा को कृषि के क्षेत्र में लाया जा रहा है। ये किसानों के लिए इंसानों की तरह काम करेगा। भागलपुर चार्ज 15 जिलों के लिए वर्तमान वित्तीय में आयकर कलेक्शन को लेकर तय टारगेट का 50% भी कलेक्शन नहीं हो सका है। इन जिलों के लिए 278 करोड़ का टारगेट था, पर अभी तक लगभग 120 करोड़ ही कलेक्शन हो सका है। मार्च में कलेक्शन को लेकर विभाग द्वारा सख्ती करने की तैयारी है। इस साल 31 मार्च तक टारगेट पूरा करने की उन्होंने उम्मीद जताई है। भागलपुर चार्ज में जो जिले शामिल हैं उनमें भागलपुर के अलावा बांका, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जमुई, लखीसराय, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आदि जिला शामिल हैं। रिटर्न फाइल करने और समय पर टैक्स जमा करने के लिए आयकर विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। मोदी सरकार को अब संसद में कोई भी बिल पास करवाने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देश के 17 राज्यों से 55 नए राज्यसभा सांसद चुनकर जा रहे हैं। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। इन संसदों के लिए चुनाव 26 मार्च 2020 को कराए जाएंगे। देश के जिन 17 राज्यों से नए संसद चुने जा रहे हैं उनमें से असम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल है। नोटबंदी की तरह ही मोदी सरकार की अब एक और बड़ी स्कीम फेल होने के कगार पर आ चुकी है। ये स्कीम इतनी बड़ी है कि करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना है जिसके तहत हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब ये स्कीम फेल होती जा रही है। इसके पीछे का कारण है रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ना। कीमतों में वृद्धि के कारण लोग दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम के तहत 96% परिवारों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उज्ज्वला लाभार्थी खाना पकाने के लिए लकड़ियों के इस्तेमाल पर लौट रहे हैं, जिसके चलते सितंबर में इसके दाम में 10% का इजाफा हो चुका है। तेज बारिश होने से बिहार में गेहूं को छोड़कर रबी की अन्य फसलों को नुकसान की आशंका है। खासकर फूल वाली फसल को ज्यादा नुकसान हो सकता है। हुई बारिश के बाद चना, मसूर, मटर, धनिया सहित अन्य फसलों में पानी लगने के कारण फसल बर्बाद हो सकता है। हालांकि कृषि पदाधिकारी बताते हैं कि बारिश से बहुत नुकसान की आशंका नहीं है, क्योंकि पहले से ही धरती सूखी हुई थी, इसलिए पानी जमा होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने बताया कि गेहूं को बारिश से कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो दलहन की फसल है उसमें कुछ हद तक दिक्कत हो सकती है। अगर मौसम लगातार ऐसा ही रहता है तो ज्यादा नुकसान होगा। हवा बहुत तेज नहीं रही है, इसीलिए भी रबी को नुकसान की आशंका कम है। केंद्र सरकार ने सुधार के तहत रेलवे की फैक्ट्रियों और कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए भर्तियां कम करेगी, जबकि कोच, वैगन, इंजन के उत्पाद और मरम्मत का कार्य आउटसोर्स कर निजी कंपनियों से कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने देश भर में 8 से अधिक फैक्ट्रियों, उत्पादन इकाइयों, कारखानों और मरम्मत वर्कशॉप में नई भर्तियों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। बिहार के आरा और बक्सर जिले को पटना से जोड़ने वाली कोयलर स्थित अब्दुल बारी पुल 26 फरवरी से 24 मई तक बुधवार और रविवार को बंद रहेगा। ये पुल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बंद किया जाएगा। इसकी जानकारी भोजपुर जिला के जनसंपर्क अधिकारी ने दी है। अगले महीने यानी कि मार्च 2020 में लोगों को होली के पहले सस्ती रसोई गैस का तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा संकेत दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा संकेत दिए हैं।
होली में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे गांधीधाम और भागलपुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चला रही है। यह ट्रेन 6 मार्च की शाम गांधीधाम से चलेगी और 8 मार्च के शाम भागलपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 9 मार्च को भागलपुर से वाया मुंगेर गांधीधाम के लिए रवाना होगी। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में 1 मार्च से 3 मार्च यानी कि 3 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन होगा। इस बार मेले की थीम विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियां हैं। मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में प्रगतिशील किसानों के जुटने की उम्मीद है। मेले में न सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बल्कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों के लोग हिस्सा लेंगे। संबंधित संस्थानों के स्टॉल पर उनके उत्पाद की प्रदर्शनी लगेगी। इस बार मेले में किसानों तक उन तकनीकों की जानकारी पहुंचाने पर जोर है जिनके इस्तेमाल से किसानों की आय दुगुनी किया जा सकता है। डिजिटल माध्यम से कृषि सूचना एवं परामर्श युवाओं तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मेले में मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी की जीवंत प्रदर्शनी भी यहां होगी। मेले में मिट्टी एवं पानी की मुफ्त जांच का लाभ भी किसान उठा पाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।